आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना बेस्ट फेशियल जो आपके फेस को वैसा ही ग्लो देगा जैसा कि सैलून में जाके पार्लर में जाकर 5,000-6,000 का आपने फेशियल कराया हो। बहुत अमेजिंग अमेजिंग फायदे हैं इस फेशियल के। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके किचन के डब्बों में से मिल जाएगी इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स। आप अगर टीनेजर हो तो ये फेशियल कर सकते हो, आप 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, 60s में हो तो भी ये फेशियल कर सकते हो, और साथ ही साथ सभी स्किन टाइप के लोग इसे कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं फर्स्ट टाइम के यूज से। कैसे करना है ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए मेरे साथ साथ कीजिए ये फेशियल, एंड इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको जल्दी से दबा दीजिए, बिकॉज ये फेशियल आपकी स्किन पर लाने वाला है अनलिमिटेड ग्लो, नूर का खजाना। तो फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग कैसे करनी है ध्यान से देखेंगे। आपको लेना है थोड़ा सा रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉइल्ड करके, चिल्ड करके ठंडा किया हुआ मिल्क वो ले सकते हो। उसमें आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ोगे और आप एक स्लाइस बीट रूट की लोगे, ठीक है। नींबू डालोगे तो दूध कर्डल हो जाएगा, और अब इस बीट रूट की स्लाइस को दूध में डिबोगे और अच्छे से अपने स्किन पर ऐसे ऐसे रब करोगे फॉर गुड 1 to 2 मिनट्स। नींबू, बीटरूट और मिल्क का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपकी स्किन में चार चांद लगाएगा, आपकी स्किन की डस्ट, डर्ट, इम्प्योरिटीज को दूर करेगा, आपकी स्किन को फेशियल के लिए तैयार करेगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के सेकेंड स्टेप की तरफ, और वो है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए केले का थोड़ा सा छिलका, और छिलके के साथ थोड़ा सा पल्प भी चाहिए, ठीक है। इस पर आप डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा, और उस पर थोड़ी सी कॉफी डालेंगे और थोड़ा सा शहद डालेंगे, और अच्छे से इस केले के छिलके वाली स्लाइस को रब करेंगे अपने फेस पर पूरे के पूरे 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छे से रबिंग करेंगे, डेड स्किन सारी निकल जाएगी, ब्लैक हेड सारे निकल जाएंगे इससे, और आपकी स्किन पर लगेंगे चार चांद, बिल्कुल लिशकारे मारने वाली है, ग्लो बढ़ने वाला है स्क्रब को करते ही। बहुत बहुत ब्यूटीफुल स्क्रब है ये, एंड अमेजिंग फायदे देता है आपको। खाली ये स्क्रब भी अगर आप कर लेते हो ना हफ्ते में एक बार, तो आपकी स्किन कभी भी डल पड़ेगी नहीं। तो बिन पैसे का, बिन खर्चे का ये स्क्रब है, तो इसको बना लिया करो और हफ्ते में एक बार यूज कर लिया करो। पूरा फेशियल नहीं भी करने चाहते हो तो ये स्क्रब ही आप यूज करोगे तो अमेजिंग फायदे मिलेंगे। तो अब बारी आती है मसाज की। मसाज कैसे करनी है? आपके घर में कोई भी फ्लावर हो, चाहे वो हिबिस्कस फ्लावर हो, चाहे आप रोज फ्लावर हो, या गेंदे के फ्लावर्स आजकल हर घर में आ रहे होंगे, तो आपने कोई भी फ्लावर लेना है। मैं यहाँ रोज ले रही हूँ। रोज को आपने रोज वाटर के साथ पीस लेना है और उसका एक्सट्रैक्ट बना लेना है। ऐसे ही अगर आपके पास गेंदे का है फ्लावर, तो गेंदे के फ्लावर को पीस लेंगे, उसका एक्सट्रैक्ट बना लेंगे रोज वाटर के साथ पीस के, या फिर गुड़हल का फ्लावर। ये 3 फ्लावर आप ले सकते हो, राइट। और अब क्या करेंगे, छानेंगे इसको। ये बढ़िया सा एक्सट्रैक्ट मेरे पास रोज वाटर और रोज का आ गया। इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा एलोवेरा जेल, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, या फिर विटामिन ई ऑयल आप मिला सकते हैं। सब चीजों को आप अच्छे से मिक्स 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 करेंगे और ये बढ़िया सी रोज क्रीम बन करके तैयार है। अगर कोई फ्लावर आपके पास नहीं है तो इसका ऑल्टरनेटिव बता रही हूँ, गाजर या बीट रूट को आप रोज वाटर के साथ पीस लेना, सेम इफेक्ट देगी। और ये क्रीम बन करके तैयार है, इसे फेस पर अप्लाई करेंगे, मसाज करेंगे, मसाज सर्कुलर मोशन में करेंगे पहले, फिर अपवर्ड मोशन में करेंगे, और उसके बाद आप प्रेशर पॉइंट्स भी दबाएंगे एंड आंखों के आसपास, गर्दन पर, हर जगह मसाज करेंगे। मसाज के बाद 2 और स्टेप्स हैं जो हमें करने हैं। एक है आइस पैक और दूसरा है फ्लावर पैक। वो कैसे बनेगा वो भी बताऊंगी। लेकिन अब बढ़ते हैं फेशियल के अगले पार्ट की तरफ, और वो है आइस मसाज। आपको एक आइस क्यूब लेनी है, उसको कपड़े में लपेटना है और अपने फेस पर रब करना है। इससे क्या होगा, इससे जितना भी आपके फेस पर अभी हमने वर्क किया है, चाहे वो स्क्रबिंग की हो, क्लेंजिंग की हो, या मसाज की हो, वो इफेक्ट सीप इन होगा और आपकी स्किन में जज्ब होगा और ब्यूटीफुल निखार अंदर से लेकर के आएगा। तो ये आइस मसाज भी बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल स्किप आपने नहीं करना है। आइस मसाज कीजिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, और उसके बाद बारी आती है पैक की। ये जो हमने रोज वाटर और रोज का एक्सट्रैक्ट छाना था, तो ये जो हमारा
उसका पल्प बचा था, इसी को हम यूज करेंगे पैक के रूप में। अगर आपने रोज का इस्तेमाल नहीं किया, मैरीगोल्ड का किया है तो उसको यूज करेंगे, कैरेट का किया है, बीटरूट का किया है तो उसको यूज करेंगे। तो जो भी आपने क्रीम बनाई थी उसका जो एक्सट्रैक्ट छान लिया था और लेफ्ट ओवर था उसका इसमें यूज करेंगे। तो मैंने ये रोज का लेफ्ट ओवर लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच गेहूं का आटा, थोड़ी सी दही और थोड़ा सा शहद। और आप चाहें तो इसमें कोई सिट्रस फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ऑरेंज ले लीजिए, कीवी ले लीजिए, कोई भी सिट्रस फ्रूट आप ऐड कर लें और अच्छे से मिक्स कर लें। ये पैक बन गया। इस पैक को लगाएंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद जब आप इस पैक को अपने फेस पर से उतारेंगे तो एक ब्यूटीफुल अमेजिंग ग्लो, दिवाली वाला ग्लो आपके फेस पर आ जाएगा, जैसे कि मेरे फेस पर आया है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है ये फेशियल। इसीलिए इसमें एक स्टेप ज्यादा मैंने डाला है आइस मसाज वाला, और इसके इंग्रेडिएंट्स भी थोड़े से यूनिक है, बिकॉज वाकई में बहुत बहुत इफेक्टिव है ये फेशियल। तो इसको आज ही कीजिएगा और रिजल्ट्स कैसे मिले जरूर मुझे बताइएगा। और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो यार, सैलून नहीं जा सकते, घर पर ये फेशियल कर लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है, अभी कर लीजिए। और मैं आपसे मिलूंगी एक अमेजिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।